अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। कुकिंग विद नरगिस में आज हम बनाने जा रहे हैं सेवइयाँ। देखिए सावन है और सेवई ना बने, ये कैसे हो सकता है। सावन में तो सेवई का बहुत बड़ा महत्व है कि इतने सारे त्यौहार आते हैं और सेवई या शीर जो भी है ज़रूर बनती है। तो उसके लिए मैंने ये 3 किलो दूध लिया है फुल क्रीम, और उसको अच्छे से बॉयल हो रहा, बहुत देर से रखा तो अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब आगे हमने एक पैन रखा है, इसमें हमने देसी घी डाला है। ये हमारा 3 लीटर दूध है, तो उसमें हम ये 150 ग्राम सेवइयाँ हमारी, इनको डाल रहे हैं। तो इनको अच्छा थोड़ा सा रोस्ट करते हैं, अच्छे से फ्राई करते हैं थोड़ा सा इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि फ्राई हुई हाई है, लेकिन थोड़ा सा इनको भूनते हैं। देखिए इनको हल्की सी गोल्डन तो हो गई हैं ये, वैसे तो भुनी हुई थी ये, लेकिन इनको हल्का सा, बहुत जलाना नहीं है लेकिन हल्का सा इनको रोस्ट करना। देखिए दूध को अच्छे से बॉयल हो गया है, तो हम इसमें 1 कटोरी डाल रहे हैं चीनी। हम चीनी पहले ही डाल रहे हैं, आप चाहें तो सेवई डालने के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी घुलने तक, जितनी चीनी मेल्ट होती है उतनी चलाते हैं इसको। देखिए अच्छे से हमारी मेल्ट हो गई है चीनी, तो अब इसमें हम सेवई डालते हैं। गैस को थोड़ा सा फुल पे करते हैं और हमारा ये ड्राई फ्रूट है, देखिए मिला जुला सारा, इसमें काजू है, बादाम है, नारियल है, और ये हमने रोस्ट करके ये मगज है, ये सब डाले हुए हैं। देखिए काफ़ी सारे हमारा ड्राई फ्रूट है, तो ये भी डाले दे रहे हैं हम इसी में साथ में। देखिए मेरे पास थोड़े से धागे रखे हुए थे ज़ाफ़रान के, ये भी इसमें डाले दे रही हूँ, इससे भी इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, और अच्छी देर पकने को फिर दिखाते हैं। देखिए हमारी सेवइयों को पकते पकते काफ़ी टाइम हो गया है, देखिए कलर भी कितना अच्छा आ गया है, ज़ाफ़रान का भी कलर एकदम से, देखिए हम पास से दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा पिंक कलर आ गया है। अभी हमने 4-5 हमारे पास सफ़ेद इलायची थी, हरी इलायची, उनको हमने क्रश कर लिया है इमाम दस्ते में, उसको इस तरह से डाल रहे हैं, उसको डाल के भी थोड़ी देर के लिए पकाते हैं, फिर ढक के रखते हैं और सर्व करते हैं। और आपको ये हमारी सेवई बन के तैयार हो गई हैं, अब इनको गार्निश कर रहे हैं हम, जो हमने ड्राई फ्रूट बचाया था उससे, और इस तरह से गोला मोटा मोटा कट किया था, मोटा मोटा गोला बहुत अच्छा लगता है जब मुंह में आता है। तो आप अपनी मनपसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। और देखिए अब सावन है, व्रत आ रहे हैं, त्यौहार हैं, तो आप इसी तरह बनाइए, घर वालों को खिलाइए, त्यौहारों को इंजॉय करिए। और सावन के महीने में तो सेवई बहुत ही बनती हैं, अब इतने सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो आप इसी तरह बनाइए, घर वालों को खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। देखिए कितनी टेस्टी और कितनी थिक बनी है, देखिए बहुत ही टेस्टी, एकदम से मीठा।